जय जगन्नाथ। रोक ठोक को आपको स्वागत करुच्छी मुझ दुर्गाशीष। जो टॉपिक रही सस्पेंस भितर रही सौम्यरंजन महापात्रंकर डेथ मिस्ट्री, ये प्रकृत में किभली घटना घटला, हत्या ना आत्महत्या, षड्यंत्रकारी किए, यहाँ पचर कहार हाथ, दिन कु दिन रहस्य आहुरी बढ़ुची। या भितर आउ दुईटा ना एंट्री रही आउ पूरा घटना को लेकिन आज जो रोक ठोक रही जो टॉपिक रही सौम्य मिस्ट्री। डीएफओ संग्राम केशरी बेहरा पर एवं आउ दुईटा ना को लेकिन चर्चा आसला, जड़े हूँ अक्षय आउर एवं ज्योति एंट्री। प्रकृत में अक्षय आउ ज्योति एमाने किए, यांकर विद्या भारती सहित संपर्क कौन, एमाने यही घटनारे संपृक्त कि, ये बड़ प्रश्न आसुची। जड़े हूँ ज्योति प्रकाश पाणिग्राही आउ जड़े अक्षय, एमाने प्रकृत में किए, यांकर विद्या भारती सहित संपर्क कौन, ताकु नहीं कि पुलिस तदंत परिसर को आणव कि एमाने पुलिस तदंत परिसर को आसबे ना आमर किसी भूमिका ना, ये भी एवं बड़ सस्पेन्स यामी। एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आसी सौम्यंकर, ये हूँ से पोस्टमार्टम रिपोर्ट जोटा मो हाथ में अच्छी, ये हूँ सौम्यों पोस्टमार्टम रिपोर्ट। एर कहे 95% पोड़गला सौम्यंकर मृत्यु हो, मृत्यु पूर्वर सौम्यों पाकस्थल स्टोमाक पूरा एम्प्टी स्टोमाक थिला, पूरा खाली थिला, पोड़ा देहर आसूला किरोसीन गंध, किरोसीन गोटे किरोसीन डबा से जबत होता। बड़ कथा जे याकू गोटे दुर्घटनार रूप दबापी पुलिस चेष्टा करुच्छी कि जो जो कथा सामना को आसुची, सौम्यों मृत्युकालीन जमानबंदी कौन से कौन कही, 95% पोड़गला जड़े जमानबंदी दे पारे कि अवस्था थे कि, जदि लैंप्रे पड़गले जो कथा कहु शुणा को आदि लैंप्रे पड़गले से लैंप जबत हो कि पुलिस से लैंप को जबत कर कि, ये या गोटे आक्सीडेटर रूप देवाई प्रयास हो। आलोचना आरंभ कर मो सहित अच्छा सौम्यरंजन माँ जोड़ी होती तुलसी महापात्र मैडम और मो सहित सौम्यों बापा वकिल पार्थसारथी नायक भी जोड़ी होती। मौसी आपण आरंभ करने चाहिए, आपड़ के ना शुनी अक्षय आउ ज्योति पाणिग्राही एम के शुनी मौसी? ना मौसी शुणिले शुणिले सन्देह हो आगुरु केबे किछ सुनिथिले जे आगुरु किछ थिला कहा सहित अफेयर्स थिला कोन थिला एमति किछ सुनिथिले? आगुरु सुनि नै मु सेटा सुनिथिने से पुओ कहिथिला जे या ना कोइ नै थिला कहला तार आगुरु भलो पाइथिला आगुरु किंतु तांकर बुझा बुझि करि दा बाहर करछन आ ये घटनाटा ए सब तो बात छै एबे एडा के मथि से कोइ नै छै तो जान नै थिला ई हम आपसे कि मौसी ये एबे जो तदंत जमी चली पुलिस आपन को लगुच आपको न्याय मिल पुलिस तदंत दिगहरा है कि क्या बचाप चेष्टा कर पुलिस तदंत रे आगुरु विश्वास बर्तन पर विश्वास आसुना 14 दिन है कि जदि से झील को लेकिन पचरा उचरा करते किसी बाहर बाहर से तो घंट उड़े रखुच्छ आपण को लागु छी जे एटा ओडे प्रेशर क्रिएट करा जाय छी पुलिस उपर को बाय मार न्याय दरकार आगे आपण को लागु छी जे केस को मिली मिसी चापी देबे एमिति आशंका आपण करछ आगे आगे हां मो से आशंका करू छी आगुर करू न थी एबे एटा करू छी मौसी आपण तो आपण पाखे जहाँ जहाँ जिनस पुअर से किसी आउ किसी जिनस सामना को आसूची चिठी फिटी जमी आसूला सेम सामना को आसूची आप देखु थे खोजु थे सेम आसूची बट आपण को लगुच पुलिस जो मैंने अभियुक्त घंट घोड़ाई चेष्टा कर हाँ अब इसे डीएफओ का बड़ा भूमिका रहुच तो कौन होती वहाँ तो मौत चल रही है ना मौसी
मौसी मौसी केबे सौम्य आपन को केबे फोन रे कहिसेंती कि जे मो जीवन प्रति विपद अछि मते धमकाउछेंती मते धमक मिलुछे एमती केबे किछ कहिसेंती जे कहिसिला मो आछि मो रोइ पलि चाकरी छाड़ देबे अछि मते जदि ट्रांसफर करि रहजन न चाकरी छाड़ देबे त पळे मो रोइ पलि ओके या मते कहिसिला ओके एक कथा आपन को कहिथिले एवं आपन को संदेह होची पुलिस घंटा घडौची पुलिस घंटा घड़ौची एवं तदंत ठीक बाटर जाऊनी ये जी पीड़ित जहाँ जी तक पुओ को हर जी न्याय लड़े करशंका करे पुलिस तदंत दिगहरा जाणी जाणिका घंट घोड़ा जाऊँगी आम सहित सुक्त पार्थसारथी नायक अच्छा सौम्य बापा वकिल सुक्त नायक आज आसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ए पोस्टमार्टम रिपोर्ट्रु सेमती किसी सुराग आसूची एम्प्टी स्टोमाक थिले किरोसिन र स्मेल आसूँ किरोसिन न गंध आसूँ ए पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक्चुअली कौन इंडिकेट करुक्त नायक देखु पोस्टमार्टम रिपोर्ट रे स्पष्ट किरोसिन द्वारा मृत्युवरण किरोसिन रे पोड़ी होकर मृत्युवरण कर मृत्यु 95% बर्निंग इंजुरी अच्छी पोस्टमार्टम रिपोर्ट रे दुटा कथा क्लीयर एम्प्टी स्टोमाक जो अच्छी खाई नथिबे एम्प्टी स्टोमाक थिबो सेथरे किछ कथा नाही किंतु गोटिए कथा क्लियर पुलिस जो कथाटा कहिकि केस को खराब करिया पें चेष्टा करूची जे एटा ओटे दुर्घटना आदौ सेटा दुर्घटना नुहे आइदर सेटा आत्महत्या किंबा हत्या आर कारण मु कहूची गोटे दुर्घटना जहाँ पुलिस थ्योरी जोटा दौची जे सौम्यरंजन ताका मृत्युकालीन जमानबंदी रे कहिछंती सी किछि अदरकारी कागज को पोडुथला बेले हटात गोटे लैंप खसी पड़ा आउ से लैंप रे थिबा किरोसिन पड़ी पड़गला आपण गोटे कथा मैं कॉमन सेंस साधारण लोक कई कथा विश्वास करें ना कहीं लैंप रे केते तेल थिबो जे सी पड़ी 95% बर्निंग इंजुरी हो एक नंबर कथा जिते गोटे दुर्घटना हुए निश्चित भाव में जदि निगला सी व्यक्ति निजुक्त रक्षा करने चेष्टा कर निजुक रक्षा करने दुर्घटनावशत ये निगला तृतीय कथा हूँ पुलिस जो थियोरी कहूँ सौम्य रंजन बयान में से कही जे लैंप पड़ कि निगला से भाई लैंप किसी पुलिस सीज कर तो सीज करना तो गोटे आइदर हत्या मामला किंबा दुर्घटना मामला ताकू पुलिस क्या बंचाप जाए कि माने दुर्घटनार रूप देवाप चेष्टा करईटा वर्तमान बड़ प्रश्नवाची है हुँ, 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 तो पुलिस निश्चित भाव क्या ना क्या बंचाप ये घटनाटा को गोटे दुर्घटनार रूप देवाप चेष्टा कर मुझे जानिना जे वास्तविक घटना कौन वास्तविक घटनाटा कौन से दिन सी सौम्य रंजन को हत्या करा जाई थिला ना सेटा दुर्घटना रे ए प्रकार घटी ना आत्महत्या से करिछन ए कथाटा केवल कहिपर किए से ना विद्या भारती ओके विद्याभारती तो जदि दुर्घटना ताले विद्या भारती से दिन आपण भी देखिछन्ती राज्यवासी देखिछन्ती आमे जो विजुअल चलाउथुलु हॉस्पिटल रे टिके भी दाग नथिला किंतु परे घरे तांको हाथ रे पोड़ा दाग आसुची जदि ये गोटे एक्सीडेंट ताले एत्ते सब नाटक करिवार कौन आवश्यकता अच्छे जदि ये माने आमे विजुअल को देखिकी कहूँ जोटा जना पड़ुछी जे हाथ किसी दाग नथिला किंतु परे दाग हो जाइछि एवं ममता पंडा एत्ते समय आंबुलांसटा को सेठिकी अटकैले ममता पंडा तांको संपर्कीय बोली एसपी कहउछन्ती किंतु तांको बापा कहउछन्ती आमे तांको जानिनु तो एत्ते गुडे सब जो प्रश्न आसुची सेटा तो कदापि एक्सीडेंट को इंडिकेट करूनी नहीं आदो नुहे वर्तमान जो पोस्टमार्टम रिपोर्टा आसीगला 95% बर्निंग इंजुरी एथ्रु स्पष्ट हो जाए आदो दुर्घटना नुहे यहाँ आईदर मान हत्या ना आत्महत्या दुर्घटना ये प्रश्न ही ना ओके जो कथा कौन सुक्त पार्थसारथी नायक जे जदि जहाँ पुलिस थ्योरी कौन एक्सीडेंट होदी एक्सीडेंट है से लैंपटा कड़े गला गोटे लैंप केरोसिन थी जे 95% जनक शरीर को जलई देव एवं से आउ गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट जिते बड़े जनकर दुर्घटना होया लग जा निहाती निजक बचाप चेस्टा कर पानी ढाला चेष्टा कर दौड़ की बाहर को जीव चित्कार करते सब जिनस सौम्य करते आई शुणी पारे ये निहाती संदेहजनक मौसी आपंक आसवि
जो कथा पुलिस जो कथा सुक्त नायक कहते जो पुलिस चाहूँगी गोटे पुलिस या उद्यम करता गोटे आक्सीडेट रूप देवाई ये गोटे आक्सीडेट आपको ग्रहण करेंगे जे यहाँ गोटे आक्सीडेट होती मौसी ডাক্তারখানার পচারি কেলা মতো সমস্ত পচারি মতো ভাল লাগুনি সে ভাল হলাপরে কম কিনাপারি কন কহিলা কহিলেন সেগারে এটা সব তার সব প্লান করি রাখিছি ইয়ে যদি লিভে থাকে কি করতে তাকে সহযোগ করতে সে এতে কাই পুড়ি যাই আপনার সৌম্য কেবে যে ল্যাম্প জলাউছু ল্যাম্প কারণ আকচুয়ালি ল্যাম্পর ব্যবহার আজকাল বহু কম কম হচ্ছে এবং ল্যাম্প ব্যবহার করা সেটা কিরোসিন পুরাইবা তাকে লণ্ঠন জলাইবা বা ল্যাম্প জলাইবা আজ্ঞা এটা গোটে বড় ষড়যন্ত্র এটা ষড়যন্ত্র করি মারছ এই ঘন্টা পড়ছ তুমি সেই জনকু যদি আরেস্ট হতা সেই ঝিও যদি আরেস্ট হতা তার কিন্তু সবু কথা পারতা মোর কিন্তু ন্যায় দরকার যে যা করতে পারত মানে আপন যেটা হসপিটাল মাসি আপন যেটা কটক হসপিটাল পচারলে বিদ্যা ভারতী বিলকুল বি কহিলেনি যে কোন কেমিতি হেলা কোন হেলা বিলকুল বি কহিলেনি যদি ল্যাম্প রু জলি থান্তা সে তো কই থান্তে সেটি ল্যাম্পটা থুয়া হইছে ল্যাম্প রু জলি নিয়া লাগি গলা বলি না সে কইলা মো গাড়ি রে পচারতিনি সে যে কে গুটে মতে খালি পচালা কোটি আছি গলা মো কই আমি ভদ্র পৌঁছে সে আর জনে ধর পড়ি কোন না নেই গলা মো তা ভাউজ কইছি আমি বরহমপুর হসপিটাল বাহিনী সে কোটি ডিসচার্জ করদেবে হচ্ছে এটু এফর করদ যদি কোটি দেবে কম করে মু সেই পে পচাচ্ছি তুমি কোটি আসি কেলা মানে আমি তো ভদ্র পৌঁছে না বরহমপুর রং ডিসচার্জ করদ যদি তুমি কে না মু তা ভাউজ করছি কিমিতি পড়িয়ালা সে আর কিছু কইলা হ্যাঁ আসি কি আছি পচারনি মু কইনি যে কি ভাউজ কি কইতা তোর ফোন করতলা যে সে কি আছে কিছু কইলা দুই থর পচারনি কিছু কইলা কিন্তু পুড়িলা কেমিতি কইলে মু জানি না মতে এটা পচারনি কি আর ভালো হয়ে গেল পরে কইল মতে এয়া কইছি সে যাহা কইছি মু সেয়া কইছি মাসি আউ গোটে প্রশ্ন মতো এই পচারা বাধ্য হচ্ছে প্রকৃতরে সত কোণ রাজ্যবাসী জাণতু যে কিভাবে ভাবে ষড়যন্ত্র করা যাই মাসি যেতবে সৌম্যঙ্কু কটক হসপিটাল অনা যাওয়া বা হসপিটালে থিলে সে সে কথা মানে কিছু কহুলে কিছু কহিলে না কিছু কইপারলা দেখি দেলা পরে যেমনি কান্দিনি সেটু সে মতো কৌছি তবে কান্দনি সে বড় চিৎকার করিয়ে আর হচ্ছে তুমি পার্টি করিব সে মু দেখি দেখি প্রাণ বাহারি হল যেমনি কান্দিনি সেটু আখি খোলিকি টিকে চাইলা চাইকি পার্টিটা মানে টিকে উঠাউথিলা আমি উঠে পারলা তা মামু যাইকি ধরলে এটা তো হাত দাও নেই তা ছাপকে করে রখিলা কিছু কইপাইনি মু খালি কান্দু থাকে সে যা টিকে খালি মতো চাইছি আখির দিদা মু গড়িগলা মু আর কিছু কইপারলি মাসী মতো ক্ষমা করবে মু আপনাকে প্রশ্ন পচারিলি নিহতি মু বুঝিপারছি আপনার কষ্ট মু পচারিবা এইথিপাই বাধ্য হলে প্রশ্ন যে মৃত্যুকালীন জমানবন্দি যদি মৃত্যুকালীন জমানবন্দি দৌঁছন্তি জনে 95% জনকর শরীর পোড়ি হয়ে যাইছি সে মৃত্যুকালীন জমানবন্দি দেই পারিবে তো এ বড় প্রশ্ন আসুচি মু সেইথিপাই মাউসিঙ্কু এ প্রশ্ন পচারিলি মাসী ক্ষমা করবে মু সে আপনাকে কষ্ট দেওয়াপাই চাহু নথিলি বট এইথিপাই মু বাধ্য হলে এ প্রশ্ন পচারিবাপাই এ সম্পর্কে সুক্ত পার্থ সারথী নায়ক রিয়াকশন নবা কিন্তু বর্তমান রোকঠোকের সময় গোটে ছোট ব্রেক ব্রেক পরে রোকঠোক আপনার পুরো থেকে স্বাগত করছি মু দুর্গাশিষ যে টপিক রয়েছে সৌম্য মিস্ত্রী এবং ব্রেক কু যা পূর্ব মু যে প্রশ্ন পচারি মাউসী তুলসী মহাপাত্র যে হচ্ছেন সৌম্য মা যে কথা কইলে কি সৌম্য
मना करुछंती माउसी जे से भली कंडीशन रे नथिले मु आसीबी आम सहित वरिष्ठ आईनजीवी सहित पार्थसारथी नायक जोड़ी होती जे होती सौम्य बापा वकिल अभिराम महापात्र वकिल सुक्त नायक जो कथा माउसी कहते जदि मृत्युकालीन जमानबंदी नि 95% उपरक पोड़ी होगा शरीर में आउ कथा माने से दे पारे बयान दे पारे ए प्रश्न भी आसूँ मुझे माउसी को से प्रश्न पचार सुक्त नायक देखु जो दिन 16 तारीख दिन आम मानने अभिराम महापात्र सहित पार्लाखेमुंडी थाना को जाती घटनास्थल को जाती से दिन पुलिस सहित अनेक समय आम बसीचु आम सामने पुलिस सीजर लिस्ट प्रिपेयर कले जिमानामा दे पुलिस समस्त प्रकार व्यवहार ठीक थिला किसी असुविधा नाला पुलिस सहित तो केस विषय अनेक आलोचना होदि मृत्युकालीन जमानबंदी रेकर्ड होता निश्चित 16 तारीख पूर्व रेकर्ड होते सौम्यरंजन महापात्र बंची अवस्था रेकर्ड होते पुलिस कहीपारी था सौम्यरंजन महापात्र एक प्रकार गोटे बयान दे से प्रकार किसी कथा पुलिस तदंतकारी अधिकारी जी अच्छा बेक स्वाई सी कही नहांती सौम्यरंजन महापात्र बापा से विषय किसी कही नहांती प्रथम थर पर आम मीडिया जानवाक पाइलु जे ए प्रकार गोटे मृत्युकालीन जवानबंदी बोल कि जोटा कि आद जड़े लोक 95% बर्निंग है से पार्टी खोली पार्वनी तो जवानबंदी देला केमी जेहेतु ये केस रे बहुत प्रभावशाली लोक अच्छा तो से गोटे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को लेकिन ये जवानबंदी गोटे यादवाटे किसी असंभव नुहे बड़ लोक खसैयापी तो ये जवानबंदी जो मृत्युकालीन जमानबंदी माने केस को प्रथम रु बिगाड़ापी ए प्रकार गोटे मृत्युकालीन जमानबंदी याई कमन सेन्स 95% बर्निंग से किसी हलचल पार्वन पार्टी खोली कहला कमी एत कथा सी तप जहाँ कहला करेस्पंडिंग किसी अच्छी कि एविडेन्स से मानने भंगा कि पोड़ा लैंप से सीज हो कि पोड़ा कागज से सीज हो कि सुक्त नायक जो समय गड़ा जा बलांगीर गले एठिक गले विद्याभारती पाखक गले से जेरा कराला एमती समय गड़े गड़े ये तो प्रमाण भी तो नष्ट हो सारी बलांगीर हॉस्टल सील करिवार कौन माने अच्छी सेटा किछि रिलेवेंट अच्छी किछि किछि रिलेवेंस नाही से हॉस्टल लो गोटे रूम को लॉक कर दे कि कौन सेटु पाइबे जेतळे जाईथिले विद्याभारती पाखकु तांकर जवानबंदी रेकर्ड कले घर भितर बापा माँ भाई एमानक उपस्थित रेकर्ड कले विद्याभारती अरेस्ट करिवा उचित थिला ता कारणटा होउची कोन एटा आइदर गोटे हत्या मामला होइथाई पारे किंबा आत्महत्या होइथाई पारे जहाँ भी हौ गोटे धर्तव्य अपराध जो थे कि दंड होउची दंड 7 वर्ष ऊर्ध एथरे अरेस्ट करिवे किछि असुविधा नाही विद्याभारती की अरेस्ट करिवार लीगल कथा होउची एटि के आई विटनेस नथिले इंडियन एविडेंस एक्टर 106 धारा अनुजाई जदि कौनसी घटना कौन व्यक्तिर स्वतंत्र ज्ञातसार घटी से ही व्यक्ति ही कह प्रकृत हत्यार प्रकृत मान घटनार कारण कौन ये प्रकृत घटना कारण कौन किए कह केवल विद्याभारती कह से कारण से दी जन स्वामी स्त्री ही से घर भीतर थे स्वामी मृत्यु हो तो पुलिस ता काम करूना जोटा कि पुलिस निरपेक्षता पर प्रश्नवाची सृष्टि ताकु छाड़ी पुलिस जो गोटे गोटे जिन पदा को छाड़ू जे सौम्यरंजन प्रकार गोटे डाइंग डिक्लेरेशन रेकर्ड हो पुलिस भूमिका को निरपेक्ष भूमिका को आहरी मानते सन्देह घर में ढड़ा करती पुलिस भूमिका अभी सन्देह घर को आसूची जो जो स्टेटमेंट सामना को आसूची जो गोटे गोटे जिनस सामना को आसूची पूरा सन्देह घर में तदंत कड़े जाऊँगी जाणी जाणी बाट बणा कर जाणी जाणी ड्रेल कर तदंत को ताकि प्रकृत दोषी जमी खसीज एवं यहाँ को गोटे आक्सीडेटर रूप देवाई ये गोटे बड़ कन्स्पिरेसी होपे मौसी आपण रियाक्शन ने लड़े आपण जारी हम गोटे गोटे पटे क्षमताशा लोक मैंने अच्छा आउ गोटे पटे गोटे माँ ता पुओ को न्याय देवाई लड़े करय लड़ू जे पुअर जो मैंने हत्याकारी जो मैंने दोषी से दंड मिलू मौसी ए न्यायर लड़े आपण जारी र हाँ जारी रही।
ମାଉସୀ ଆପଣ ବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେଦିନ ବି ଅପିଲ୍ କରିଥିଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି ନିବେଦନ କରିଥିଲେ, ଏବେ ତ ପୁଲିସର ଯାହା ତଦନ୍ତ ଲାଗୁଛି ଯେ ସେମାନେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା 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 ମାଉସୀ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ବି ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋ ପୁଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅ, ମୋର ଆଉ କିଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ମା, ଏଇଭଳି ଆମ ମା ବି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଚାଲିଗଲା, ମତେ ମୋ ପୁଅ ମିଳିଲାନି, ଏ 15 ଦିନ ହେଇଗଲା, ମୋ ପୁଅ ମତେ ଦିନେ ଫୋନ ନ କଲେ ସେ ରହିପାରିନି, କୋଉଠି ଯାଇକି ରହିଲା, ମତେ ଫୋନ ବି କରିନାହିଁ। ମାଉସୀ ସୌମ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ କରନ୍ତି, ମତେ ସେ ମନା ଯଦି ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥାନ୍ତା ମତେ କହିକି ମରିଥାନ୍ତା, ଏଭଳିଆ ଛୁଆ ମୁଁ ଦୁନିଆରେ ଦେଖିନି, ସେ ଯୋଉଠିକି ଯିବ ମତେ କହିକି ଯିବ, ଯଦି ମୁଁ ଏଠି ନଥିବି ଘର ପାଖକୁ ଯାଇଥିବି, ଯାଇକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିବ ମତେ ଫୋନ କରେ ଯାଇକି ଅଫିସରେ, ନହେଲେ ସେ ଗଲେ ହଉଛି ଜଙ୍ଗଲକୁ, ସେଇ ଯାଇକି ସେ କରେ ଟୁର ଯାଏ, ସେ ମତେ ଅଧ ଘଣ୍ଟେ 45 ମିନିଟ 20 ମିନିଟ ଏଇଭଳିଆ ଫୋନ କରେ, ଯେତେବେଳେ କାହିଁ ନଥିବେ ଫୋନ କରେ, କହିବି ରଖିଦେ ଏବେ ତ ବିଧ କାହିଁ ଏତେ ଫୋନ କରୁଛୁ, କଣ କରିବି କି ଏ କଥା, ସବୁବେଳେ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗର। ମାଉସୀ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ କଣ ଜାଣିଶୁଣି ନାଇଟ ଡ୍ୟୁଟି ବେଶୀ ସମୟ ପକା ଯାଉଥିଲା, ମାଉସୀ ନାଇଟ ଡ୍ୟୁଟି ବି ପକା ଯାଉଥିଲା, ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ଡିଏଫଓ ପକାଉଥିଲେ ନାଇଟ ଡ୍ୟୁଟି ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ, ସେ ବି କହୁଥିଲା, କହିଲା ହଉଛି ଶନିବାର ରବିବାର ଦେଖିନି ଯେ ଶନିବାର ରବିବାର ସେମାନଙ୍କର ଛୁଟି, ଦିନେ ଶନିବାର ମୁଁ ଫୋନ କଲା ବେଳେ କହିଲା ହଉଛି ମୁଁ ଅଫିସରେ ଅଛି, ମୁଁ କି ଅଫିସରେ କାହିଁକି, ନା ଆମର ଛୁଟି ଗୋଟେ କହିଲୁ ତ ହଉଛି ମୁଁ ଅଫିସ ଆସିଛି, ଏଭଳିଆ ଆହୁରି ଦିନେ ସେ ଫୋନ କହିଲା ରବିବାର, ସେଦିନ ବି ତାର ସେ ଅଫିସରେ ଥାଏ, ଇଏ ସେଦିନ ରବିବାର ଦିନ ଯୋଉ ଫୋନ କରିଥିଲା ହଉଛି ସେ ଝିଅ, ମୁଁ କଥା ହେଲା ଖାଲି ସେ ପଚାରିବ ଯେ ଖାଇଛ ନା କଣ ଖାଇଛ, ଦେହ ଭଲ ଅଛି ନା, କିରେ ଖାଇତେ କଣ ଆମେ ପାଉନୁ ନା କଣ, ତୁ ଖାଇତେ ଦଉଛୁ ନା ବୁଝିବୁଛୁ, ଏତିକି ଖାଲି ପଚାରିଦବ, ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ପପୁ କୁଆଡେ ଗଲା ଅଛି ନା, ନା ସେ ଅଫିସ ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ରବିବାର କି ଅଫିସ ଯାଇଛି, କହିଲା କି ଆଣି ମୁଁ ତ ଜାଣିନାହିଁ, ଆର ରବିବାର ତ ଯାଇଥିଲେ, ଏତେ ଏମିତି ସବୁ ରବିବାର ଯାଉଛନ୍ତି, ଏହା ତାର କୁହେ, ତାକୁ ତ ଶୁଣିଥିଲି ସେ ଛୁଟି ଦିନରେ ଅଫିସ ଯାଉଛି, ୟାକୁ ତ ବି ଶୁଣି ଛୁଟି ଦିନରେ ଅଫିସ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମତେ ଦିନେ କହିଥିଲା ତା ମା ବାପୁ ତାକୁ କହିଲେ ତୁ ସବୁବେଳେ କାହିଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଲଗଉଛୁ, ଛୁଟି ଦିନରେ ଯାଇ ଅଫିସରେ ରହୁଛି ଆଉ କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛୁ, ତା ମା ବାପୁ ତାକୁ କହିଥିଲେ ବୋଲି ମତେ ସିଏ କହିଥିଲେ, ତା ମା ବାପା ଯାହା କହନ୍ତି ସିଏ ମତେ କହେ, ଇଏ ଯାହା କହେ ମତେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ଗୁଡା ସବୁ ବାହାରୁଛି ଏଇକିନା ସବୁ ଲେଖା ଚିଠି ମିଠି ଏଗୁଡାକୁ ସେ ମତେ କହିନଥିଲା, ଏବେ ପଛକୁ ପଛକୁ ସେଗୁଡା ମତେ କହିଥିଲାନି, କାରଣ ମୁଁ ତାର ଅଛି ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧ 3 ଦିନ କାଳ ମୁଁ ଶୁଭିବି, ସେଇଥିପାଇଁ ତାର ବେଶୀ ଦୁଃଖ କଥା ମତେ କୁହେନି, ଯେତେବେଳେ ଥରେ କହିନି ମୁଁ କହିଲି ତୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ନା ଭଲ କହୁ 2 ଦିନ ହେଲା ତମ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଲାଣି, ହେଲେ ତୁ କି ଜାଣିପାରୁଛୁ, ନିହାତି ମାଉସୀ ମୁଁ ସେ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଯେ ଆପଣ ସେ କଥାକୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆପଣ ନିହାତି ଆପଣ ଗୋଟେ ମାଆର କଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି, ମୁଁ ଯେ ଜଣେ ପୁଅକୁ ହରେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ପୁଅକୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି ମାଉସୀ ତୁଳସୀ ମହାପାତ୍ର, ଏବଂ ଗୋଟେ ପଟେ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଲୋକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକ ଏବଂ କ୍ଷମତାର ଯେଉଁ ଚାପରେ ଏ କେସ୍କୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ହେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଏ ମା ଏ ମାଉସୀ ଇଏ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି ପୁଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଅର୍ଗସ ଏ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ। ଏବଂ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାର୍ଥସାରଥୀ ନାୟକ ଏବଂ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମାଆ ତୁଳସୀ ମହାପାତ୍ର ମ୍ୟାଡ଼ମ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଉଛି, ଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଭିତରେ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ଖସି ନ ଯାଉ, ଆଉ ମା ଏ ଯେଉଁ ମା ଲଢ଼େଇ କରୁଛି ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଛି, ରୋକଠୋକ ଏଇଟି ରଖୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।